उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार ने उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण को लेकर मुख्यालय पारिस्थितिक सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार ने कहा कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के अब तक के फैसलों में 80% मामलों में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की जानकारी ना होने के कारण विभाग CGRF के सामने हार जाता है। वहीं इस बार हार के कारण ऊर्जा निगम को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की पूरी जानकारी होने पर ही विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के अनुरूप उत्कृष्ट सेवाओं को देने के साथ ही प्रतिबद्ध हो सकेंगे। इसी क्रम में विद्युत लोकपाल सुभाष कुमार ने कहा कि UPCL ने देहरादून की मीटर स्टेट टेस्ट लैब को NBAL से प्रमाणित कर दिया है। अप्रमाणित चेक मीटर के माध्यम से ही नई मीटर रीडिंग को तय करते हुए नया बिल और जुर्माना भेजा जा सकेगा। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। पूरी है गांव में, वहाँ जन सुनवाई टाइप का किया था तो 15-20 लोग आए थे। वहाँ बहुत ज्यादा कोई शिकायतें है नहीं। उन्होंने कहा बिजली ठीक आ रही है और बिलों के संबंध में मैंने पूछा था तो कह रहे थे बिल भी हमारा ठीक आ रहा है। सिर्फ एक सज्जन था, उन्होंने ये कहा कि मेरा एक महीने का बिल जो है नॉर्मली 400-500 आता है लेकिन अब 2000 आ गया। तो उसको मैंने ये वो कहा कि आप जो है CGRF में चले जाओ, वहाँ आपको रिलीफ मिल जाएगी, और वहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो फिर हमारे ओम्बड्समैन में आ सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा नहीं है, एक दो डिमांड थी उनकी कि 11 उसका 25 KV का एक दो सब स्टेशन, ये नहीं वो आपका ट्रांसफार्मर लगना है, वहाँ इंटर कॉलेज है, कंप्यूटर बच्चों का ढंग से चलता नहीं है। तो वो मैंने आश्वस्त किया कि इनको 25 KV का ट्रांसफार्मर वहाँ लगा।